नमस्कार, कैसेग्रीन.कॉम से मैं हूँ ओगिर। आपके यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व होगी। JBL ब्लूटूथ ईयरफोन्स को दोबारा से कनेक्ट कैसे करें? देखिए, आपने अगर किसी फ़ोन से ये जो इस तरह के ईयरफोन्स होते हैं इनको, या फिर इस तरह के सिंपल वाले जो नेक बैंड है, और या फिर इस तरह के ईयरफोन्स हैं, उनको अगर आपने कनेक्ट कर लिया है पहले से अपने लैपटॉप कंप्यूटर किसी और चीज़ के साथ में, तब एक प्रॉब्लम हो जाती है कि आप इनको कनेक्ट नहीं कर पाते किसी और दूसरे फ़ोन वगैरह से अगर चाहते हैं तो। ऐसे में आप कैसे कर सकते हैं कि ये जो JBL वाले ब्लूटूथ ईयरफोन से आपको दूसरे फ़ोन से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लो। अभी देखिए आपको करना क्या है। ये ट्रिक काफ़ी अच्छी है, गजब की है, कि आप जब स्विच ऑन कर रहे हो ना आप अपने इस ईयरफोन को, तब आपको क्या करना है, उस ईयरफोन के जो बटन है वो स्विच ऑन वाला आपने पहले ऑफ कर दिया, उसके बाद जब ऑन कर रहे हैं तो आप उसको तब तक दबाए रखिए जब तक वो लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट नहीं कर देती। मतलब कुछ ज़्यादा देर तक दबाए रखना है, ऑन होने के बावजूद आपको कुछ सेकंड तक दबाए रखना है। उसके बाद देखेंगे वो लाइट जब वो ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगी। इसके बाद आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये इस तरह से ब्लिंक करना स्टार्ट कर देती है। आप अपने फ़ोन वगैरह, लैपटॉप वगैरह, कंप्यूटर वगैरह में कहीं पर भी कनेक्ट करना चाहते हैं आसानी से कर सकते हैं इस JBL वाले ब्लूटूथ ईयरफोन्स को, इवन हर किसी को भी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लो ताकि ऐसी वीडियोस और मिलती रहे। बने रहे हमारे साथ, सीखते रहे कैसे करें।